बहुत ही हेल्थी पुलाव, वो है स्प्राउट पुलाव। शायद आपने पहले नहीं खाया होगा तो मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो स्प्राउट पुलाव बनाने के लिए मैंने इंग्रीडियंट्स लिए हैं, एक कप राइस लिया है, बासमती राइस लिया है मैंने, आप कोई भी राइस ले सकते हो, और लगभग 15-20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया है पहले, और एक बड़ा बाउल मिक्स स्प्राउट लिया है। मिक्स स्प्राउट्स में मैंने सब मिक्स लिए, मूंग, चना और ग्राम, सब जो भी आपको पसंद है वो आप लेकर इस तरह से स्प्राउट्स बना सकते हो। स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं ये मैं बताती हूँ, पहले मैं इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। एक बड़ा साइज का अनियन, एक टोमेटो, एक तेज पत्ता, हाफ स्पून सौंफ, एक लविंग और एक छोटा सी दालचीनी का टुकड़ा। और वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं फ्रेंच बीन्स, कैरेट, फूलगोभी, आलू, मटर। आप कोई भी आपके पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लेनी है। और ग्रीन चिल्ली 2, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और कसूरी मेथी 1/2 स्पून। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में, तो आप भी ज़रूर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्प्राउट कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। पहले हमें जो स्प्राउट्स बनाने हैं, जैसे चना हो, मूंग हो, कुछ भी, उसे भिगोना होगा ओवरनाइट के लिए। हम ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद कोई भी क्लॉथ लेंगे हम, कॉटन क्लॉथ या मसलिन कोई भी क्लॉथ लेकर उसे अच्छे तरह से टाइटली बांध देंगे। बांधकर हम अगर सुबह बांधते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक अच्छे इस तरह से स्प्राउट्स बन जाएंगे। कोई भी अच्छी मॉइस्ट प्लेस में हमें रखना है, हमारे स्प्राउट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। जैसे मैंने इस तरह से स्प्राउट्स बना लिए हैं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं पुलाव। हम पुलाव कुकर में बनाएंगे, तो मैंने कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेज पत्ता, सौंफ, लविंग और दालचीनी डाल देते हैं। हाफ स्पून डालूंगी जीरा। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। जीरा और सौंफ अच्छी तरह से क्रैकल हो रहे हैं। अब मैं डालती हूँ अनियन। हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाए अनियन जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं अनियन को। अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें, गोल्डन नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट ही करना है। अनियन अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक डाल देती हूँ। इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसका। अगर आप अनियन जिंजर गार्लिक नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हैं बिना अनियन के। हल्का सी कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। एक 2 सेकेंड चिल्ली को भी फ्राई होने देते हैं। अब सारी वेजिस डाल देते हैं, बीन्स, कैरेट, मटर,
आलू, गोभी, मैंने सब एक छोटे छोटे बाउल लिए हैं। आप क्वांटिटी और जो वेजिटेबल्स डालनी है आपके इच्छा के अनुसार आप डाल सकते हो। ज़्यादा वेजिस पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा और कोई भी ऐड किया दीजिएगा। कसूरी मेथी डाल देती हूँ, एक दो मिनट के लिए इसे ऐसे ही ऑयल में फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स हल्के से फ्राई हो गए हैं, टोमेटो डाल देती हूँ। और स्प्राउट्स डाल लेते हैं। एक मिनट के लिए इसे भी स्प्राउट को भी अच्छी तरह से पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट के लिए। स्प्राउट्स भी अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। हाफ स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ स्पून नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा कम ज़्यादा, और वन स्पून डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, तीखा भी आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मसालों को भी अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं, एक मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि मिर्ची वगैरह अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। राइस में से मैंने पानी निकाल दिया है जो हमने भिगो के रखा था राइस को। राइस डालकर हल्के हाथों से हल्का से मिक्स करते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि राइस टूटे नहीं। राइस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। दो ग्लास पानी डालेंगे, जितना हमने राइस लिया है उसके डबल क्वांटिटी का हमें पानी लेना है। अभी आप चाहे तो ऐसे ही कुक कर लीजिएगा या फिर लिड लगाकर हम सीटी ले लेते हैं। मैं सीटी ले लेती हूँ, दो सीटी में राइस बनकर रेडी हो जाएंगे। दो सीटी आ चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर लिया, कुकर भी ठंडा हो गया है, चेक कर लेते हैं। पुलाव बनकर रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही कलरफुल भी लग रहा है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने प्लेटिंग कर ली है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना स्प्राउट्स पुलाव, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी रहेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हो, बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपको ये स्प्राउट्स पुलाव कैसे लगे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।